हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल क्रेडिबल। आज जो हम बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के, ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। अब हम एक दूसरी सीरीज चालू करेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसने लिखी है बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस? सानिया मिर्जा, विजय अमृतराज, सुशील दोषी, अनिंदे दत्ता। तो ये बुक लिखी गई है अनिंदे दत्ता जी के द्वारा। अनिंदे दत्ता पहले बैंकर थे, अब एक ऑथर है। इन्होंने जो ये बुक है इसमें इंडियन टेनिस की पूरी हिस्ट्री की और अब तक की जर्नी को डिस्क्राइब किया है और स्पेशल फोकस दिया है वुमेन सिंगल गेम और डबल्स गेम मिक्स होता है जो उस पर। चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पर। किसने लिखी है बुक डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी? सुशील जोशी, आनंद विजय, रवि राजगोपाल, राजेश भूषण। ये लिखी गई है आनंद विजय के द्वारा। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान का। इस बुक में जो है स्मृति ईरानी की 2014 से 2019 तक की जर्नी को डिस्क्राइब किया है। स्मृति ईरानी ने 2014 में इलेक्शन लड़े थे पर वो हार गई थी, जबकि उन्होंने 2019 में लोकसभा इलेक्शन में अमेठी से लड़ते हुए राहुल गांधी को बहुत मार्जिन से हराया था। वो सब जो जर्नी और विंस है इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और जो स्मृति ईरानी है वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को हेड करती है। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल गफार खान, राजेंद्र प्रसाद। ये ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल गफार खान की और इसे जो है इम्तियाज अहमद अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। किसने रिलीज की है बुक डॉन अंडर द डोम? भगत सिंह कोश्यारी, जगदीप धामपर, आनंदीबेन पटेल, जगदीश मुखी। तो इसे रिलीज किया है भगत सिंह कोश्यारी ने। भगत सिंह कोश्यारी जो है इस वक्त महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। जगदीप धामकर जो है ये वेस्ट बंगाल के हैं। आनंदी बेन पटेल की बात करें तो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों की हैं ये, और ये फॉर्मर सीएम रह चुकी हैं गुजरात की। जगदीश मुखी जो है ये मिजोरम के हैं। ये बुक जो है ऑथर की गई है स्वाति पांडे और ऑर्चिडा मुखर्जी के द्वारा। किसने रिलीज की है बुक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी? नरेंद्र मोदी, बिपिन रावत, आरकेएस भदूरिया, राजनाथ सिंह। इसे रिलीज किया गया है बिपिन रावत जी के द्वारा। इसे जो है को ऑथर किया गया है, एडिट किया गया सॉरी, एके सिंह एंड नरेंद्र कुमार के द्वारा। किसने ऑथर किया बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस? समीर सोनी, वरुण धवन, कबीर बेदी, अक्षय कुमार। ये जो है समीर सोनी के द्वारा। ये एक बॉलीवुड एक्टर है। चलते हैं हमारे सेवंथ पे। हु ऑथर द नॉवल पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी? अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, शरद पगारे, रस्किन बॉन्ड। ये जो है शरद पगारे के द्वारा लिखी गई है। अब इसमें खास बात क्या है, ये अभी रिलीज नहीं हुई है, ये बहुत पहले की रिलीज हो रखी है, पर इस बुक के चलते ही शरद पगारे को 31वां व्यास सम्मान 2020 अवार्ड मिल रहा है, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। हो सके पूछ ले कि इन्होंने कौन सी नॉवल लिखी है जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। चलते हैं आठवें पे। हु ऑथर द बुक सनातन? अरुण कुमार, शरण कुमार लिम्बाले, गीतांजलि राव, संजीव कुमार। तो ये लिखी है शरण कुमार लिम्बाले ने। इन्होंने भी जो है इस बुक के चलते जो है सरस्वती सम्मान जीता है 2020 का। ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन पर। किसने ऑथर की है बुक हेमनेट? मैगी फेरल, इरविन एलन, झुंपा लाहिरी, जेके रॉलिंग। ये जो है ऑथर की गई है मैगी फेरल के द्वारा। ये बुक जो है बेसिकली एक काल्पनिक स्टोरी है जो शेक्सपियर के सन के डेथ की बुबोनिक प्लेग के कारण। और इस बुक को क्यों आया यहाँ पे नाम, इसका मेन कारण है क्योंकि इस बुक को नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल प्राइज फॉर फिक्शन मिला है। चलते हैं हमारे दसवें क्वेश्चन पर। किसने ऑथर की है बुक नेम्स ऑफ द वुमन? जीत थाइल, मनोज सिन्हा, अनुजा सिंगल, अमृता राज। तो ये जीत थाइल के द्वारा ऑथर की गई है। चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पर। किसने ऑथर की है बुक द पेन फ्री माइंडसेट? सेवन स्टेप्स
टू टेकिंग कंट्रोल एंड ओवरकमिंग क्रोनिक पेन। रवि राजगोपाल, दीपक रविंद्रन, रणदीप गुलेरिया, राजेश भूषण, ये लिखी गई है दीपक रविंद्रन के द्वारा। ये यूनाइटेड किंगडम में डॉक्टर हैं, जबकि रणदीप गुलेरिया जो है हमारे एम्स के डायरेक्टर हैं। आज का हमारा 12th क्वेश्चन है, किसने लिखी है बुक माय लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर? किरण मजुमदार शो, इंदिरा नुई, रोशनी नादर, चंदा कोचर। ये लिखी गई है इंद्र नुई के द्वारा। इंद्र नुई को जो है भारत, वो ये जो है फॉर्मर पेप्सिको की जो है सीईओ रह चुकी हैं और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने इस बुक में जो है इनकी पर्सनल और कॉरपोरेट लाइफ को डिस्क्राइब किया है और चाइल्डहुड से लेके कॉरपोरेट वर्ल्ड तक की जो जर्नी है उसे भी बताया है। चलते हैं हमारे 13th क्वेश्चन पे, किसने लिखी है बुक जो बाइडन अमेरिकन ड्रीमर, अ बायोग्राफी ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन? पीटी, हंटर बाइडन, इवान ओस्नोस, कुरी बुकर। ये लिखी गई है इवान ओस्नोस के द्वारा। अगर जो बाइडन की बात करें तो ये जो हमारे 46th US प्रेसिडेंट हैं और ये 47th वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं US की वो कमला हैरिस हैं और जो बाइडन जो हैं वो डेमोक्रेट पार्टी से हैं और जो ट्रंप थे वो रिपब्लिक पार्टी से थे। आज के लिए इतना ही, आगे और भी वीडियोस आएंगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।